अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो असल में आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग में हम ये कहेंगे कि भाई ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ठीक है। और ब्लड ग्रुपिंग को इसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एबीओ सिस्टम, क्योंकि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी ओ या ए बी होगा, ठीक है। फोर ब्लड ग्रुप्स है। फर्दर अगर फॉर एग्जाम्पल ए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब या तो ए पॉजिटिव है, ठीक है, या ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ठीक है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब है कि या तो बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ओ पॉजिटिव या तो ओ नेगेटिव, वो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। ये बहुत सिंपल आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ए पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है, ये बिल्कुल फोर एट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब फोर ब्लड ग्रुप्स के ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस के बेस पे फिर हम इसको तकरीबन एट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, यानी मैं सिंपल आपको कहूँगा किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी का मतलब ये है कि उसके यानी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजीन बी मौजूद है और एंटीबॉडी है, समझ गए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजीन ए है और एंटीबॉडी भी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब है कि न तो इस पे एंटीजीन ए और न भी एंटीबॉडी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजीन ए और एंटीबॉडी दोनों मौजूद है, क्लियर। अच्छा, फर्दर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा। यू कैन सी हियर इन दिस टेबल, ये ग्रुप ए है, बी है, ए भी है और ओ है। अब ये आप ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। यू कैन सी द रेड ब्लड सेल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। अब ये एक शख्स है, उसका ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो इसका मतलब ये है कि उसके एंटीजीन्स जो हैं एंड रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडी एंड प्लाज्मा, उसके प्लाज्मा में ठीक है ब्लड में जो है ठीक है एंटीबॉडीज बी हैं और एंटीजीन जो है ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब ये कि उसके एंटीजीन्स एंड रेड ब्लड सेल उसके आर बी सी पे एंटीजीन बी मौजूद है और एंटीबॉडी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ए बी है तो इसका मतलब ये है कि उसके आर बी सी पे एंटीजीन ए और एंटीबॉडी एंटी बी और बी एंटीजीन मौजूद हैं और इस पे एंटीबॉडी नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि उसके आर बी सी के सरफेस पे न तो एंटीजीन ए है और न एंटीबॉडी है, ठीक है, न तो एंटीजीन है और न इस पे एंटीजीन ए है न एंटीजीन बी है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ओ है। फिर मैं आगे कहूंगा अगर पॉजिटिव है ना या नेगेटिव है तो इस पे फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा तो इस पे एंटीबॉडीज बी और एंटीबॉडी ए मौजूद होगा, क्लियर। अच्छा, अब सेम कंडीशन यहां भी है, ठीक है। एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजीन ए होंगे और इसके अलावा एंटीबॉडी बी। इसी तरह बी जो है उसके लिए एंटीजीन बी होंगे और एंटीबॉडीज ए। इसी तरह ए बी के लिए एंटीजीन ए और एंटीजीन बी, लेकिन इस पे एंटीबॉडीज आर एब्सेंट हियर। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो एंटीजीन प्रेजेंट ऑन द ब्लड, ठीक है, न तो इस पे एंटीजीन ए होंगे और न एंटीजीन बी, इस पे एंटीबॉडी ए और बी ठीक है दे आर प्रेजेंट इन द सीरम, ठीक है। ये इसके जीनोटाइप्स है, ये अलग बात है। जीनोटाइप्स में दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप्स, यू कैन सी जिस तरह जींस जींस रिलेशनशिप, ठीक है, वो फिर हम इंशाल्लाह आगे इस पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, फिर हमारा जो इस एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूँ, ये ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अब ये एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और ये उसके ब्लड स्पेसिमेन है, ठीक है। इसमें आपको एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है ना, इसको मैं कहूंगा क्लंपिंग रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, याद रख ले, सबसे जो जरूरी चीज है ब्लड ग्रुपिंग के लिए जरूरी है कि आपको ये पता है, ठीक है, कि पर एंटीजीन क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, ठीक है, एग्लूटिनेशन क्लंपिंग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि भाई एंटीजीन असल में तो एक वो एंटीजीन होता है जो आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, फॉरन बॉडी, ठीक है, वो बैक्टीरिया भी है, इसके अलावा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ठीक है, एनी पैथोजन विच कैन एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम। इसी तरह एंटीबॉडीज में मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और सॉरी कुछ एंटीजीन जो है मतलब ये जिसको फॉरन बॉडी हम कह सकते हैं, ठीक है, विच कैन एक्टिव जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है।
इसके अलावा कुछ एंटीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होता है और उसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह ये एक सैंपल है, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ये एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो ये तो क्लियर है कि ये बंदा जो है या ये पेशेंट या दिस इंडिविजुअल, इसके आरबीसी पे ठीक है एंटीजीन भी मौजूद हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी ए है, समझ गए, एंटीजीन बी है और एंटीबॉडी ए है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट टेबल में आपको क्लियर करूंगा। लेकिन एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और ये उसके ब्लड स्पेसिमेन है, ठीक है, ये ब्लड स्पेसिमेन इसमें आपको चेंज नजर आ रहा है, इस ये आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल जो है या ब्लड स्पेसिमेन जो है इस पे ऑलरेडी क्लंपिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा बी शो एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ये आपको जो है इसको मैं डी कहूंगा, डी शो एग्लूटिनेशन रिएक्शन, सो इट इज पॉजिटिव, तो जिस पे क्लंपिंग रिएक्शन होगा वो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके बी पे भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा और डी पे भी होगा, लेकिन ए जो है इट रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिस तरह ये पहले था तो इसी तरह वो अभी भी है, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। अब मैं आपको ये भी कहूँगा अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव में इस पे भी क्लंपिंग रिएक्शन होगा, ए पे भी होगा, इसके अलावा बी जो है, ठीक है, बी जो है इस पे क्लंपिंग रिएक्शन नहीं होगा और जो डी है इस पे क्लंपिंग रिएक्शन होगा। बाकी आर एच फैक्टर की बात है वो मैं फिर आगे बताऊँगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट कर ले, ए बी असल में ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो हर किसी से ले सकता है, और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो हर किसी को दे सकता है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, ओ नेगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर है, एवरीवन हर किसी को दे सकता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये हर किसी से ले सकता है। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से ये रिसीव कर सकता है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये ओ पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट, ये जितने भी टेबल में आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, ठीक है, तो मतलब ये कि ये ब्लड ग्रुप जो है इसको ब्लड डोनेट कर सकता है और इससे रिसीव कर सकता है। इसी तरह बी पॉजिटिव जो है बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इससे रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह ए बी पॉजिटिव ये चूंकि यूनिवर्सल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे, मतलब ये कि ये है ये जितने भी ब्लड ग्रुप हैं इससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं और आपका जो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं पॉजिटिव को ए नेगेटिव को इन सारों को और रिसीविंग कर सकता है ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव का मतलब ये कि ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये है कि इट कैन डोनेट ब्लड टू एवरीवन, समझ गए, लेकिन ओ नेगेटिव से सिर्फ रिसीविंग कर सकता है। बी नेगेटिव का मतलब ये कैट कैन डोनेट ब्लड टू बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इसके अलावा बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से रिसीविंग कर सकते हैं। इसके अलावा ए बी नेगेटिव जो है ये ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसी तरह रिसीविंग ए बी नेगेटिव, तो ये क्लियर है। इसी तरह इस सेकंड टेबल में भी आपको ये बिल्कुल नजर आ रहा है, ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, वही सेम केस है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखना है वो ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। अच्छा, ये फिर मैं आपको क्लियर करूंगा, ये सिंपल ये एक चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊँगा ए पॉजिटिव की तरफ, ए पॉजिटिव, अब ये देखो ये सारे ब्लड स्पेसिफिक हैं, तो आपको यहाँ क्लंपिंग रिएक्शन नजर आ रहा है, यहाँ भी क्लंपिंग रिएक्शन, ठीक है जी, और इस पे आपको क्लंपिंग रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। ए पॉजिटिव का मतलब है कि ए बी भी क्लंपिंग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और डी पे भी होगा, क्योंकि अब इस पे नहीं होगा। रीजन ये है कि इसका जो आर एच फैक्टर है वो पॉजिटिव है, तो जिसका आर एच फैक्टर पॉजिटिव होगा तो इसका क्लंपिंग रिएक्शन डी पे जरूर होगा, समझ गई। अब
इसको ए पॉजिटिव को और ए नेगेटिव को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, सिर्फ मैं कंपेरिजन करूंगा, ये है ए पॉजिटिव, ये है ए नेगेटिव। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है, वही एग्जांपल है जिस तरह मैंने बी पॉजिटिव का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो सिंपल ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस पर्सन के आरबीसी पे एंटीजन ए मौजूद है और एंटीबॉडी भी है, ये तो क्लियर होना चाहिए। इसी तरह ये ए पॉजिटिव जो है, ए पॉजिटिव सिंपल एंटीजन, इसके लिए जो एंटी सीरा ए है, ए पे क्लंपिंग रिएक्शन होगा और इसके साथ साथ डी पे होगा, डी पे इस होगा क्योंकि इसके लिए आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, तो जब आर एच फैक्टर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि क्लंपिंग रिएक्शन होगा, अगर आर एच फैक्टर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्लंपिंग रिएक्शन नहीं हो सकता, ये भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, ओके जी। अच्छा, इसके अलावा ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव का मतलब ये है, अब ए नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ए पे तो क्लंपिंग रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन बी पे नहीं हो सकता और डी पे भी नहीं हो सकता क्योंकि ए नेगेटिव के लिए जो आर एच फैक्टर है वो नेगेटिव है और नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके आरबीसी पे वो प्रोटीन मौजूद नहीं है और कंट्रोल जो है उसको हम कंट्रोल, तो इसका मतलब है कि ये अपने ओरिजिनल पोजिशन पर है, क्लियर है जी। अब मैं बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव बोलूंगा, ठीक है, बी पॉजिटिव क्योंकि ये तो हमें क्लियर है कि ए बी ओ ये सब हमें क्लियर है। अब ओ का मसला है, ठीक है, ओ का मसला है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो इसके लिए ये क्लियर है, न तो इसके लिए एंटीजन एंड न तो एंटी सीरा ए, न तो ए के लिए और न बी के लिए, तो डी के लिए क्योंकि ओ पॉजिटिव के लिए आर एच फैक्टर पॉजिटिव है इसलिए क्लंपिंग रिएक्शन डी पे होगा, बाकी जितने भी है दे विल रिमेन सेम, तो इसलिए इसको हम ओ पॉजिटिव क्योंकि इसके लिए ए और बी के एंटीजन बिल्कुल है नहीं, इसलिए हम इसको ओ पॉजिटिव कहेंगे। ओ पॉजिटिव में आपका जो ब्लड स्पेसिमिन होगा, ठीक है, डी पे क्लंपिंग रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, वो प्रोटीन उसके आरबीसी पे मौजूद है। ओ नेगेटिव, अब ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव को मैं कंपेयर करूंगा, ओ नेगेटिव में क्या है, ओ नेगेटिव में ये है कि न तो ए पे हो सकते हैं न बी पे और न डी पे और न कंट्रोल पे, क्यों, रीजन ये है कि इसका जो आर एच फैक्टर है वो नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके लिए कोई एंटीजन मतलब है भी नहीं, वो प्रोटीन नहीं है उसके आरबीसी पे, इसलिए क्लंपिंग रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इन चारों में से किसी पे भी क्लंपिंग रिएक्शन नहीं हो तो उसको हम ओ नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो ओ नेगेटिव का केस और ए नेगेटिव के केस में फर्क है, फर्क इसलिए है कि ओ नेगेटिव में इसके लिए तो न तो ए का कंसेप्ट है न बी का, और बी के लिए ये तो हमें पता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए है, ठीक है, तो मतलब ओ नेगेटिव में ये पोजीशन है और बी नेगेटिव में ये, बी और ए नेगेटिव में ये पोजीशन है, ए नेगेटिव में चूंकि ए पे तो क्लंपिंग रिएक्शन होगा, ठीक है, न बी पे और न डी पे और न कंट्रोल पे। सो आई थिंक दिस इज वेरी प्रोडक्टिव लेक्चर, यू कैन लर्न द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो यू कैन contact me, so we will discuss different topics. So wish you thank you so much for watching my lecture.